ये लालू परिवार को बदनाम करने की साजिश है। अभी तो वो हॉस्पिटल से आए हैं अपना इलाज करा करके, उसके बाद उनको टेंशन दे दिया सीबीआई का, ये गलत है। ये लालू जी को खत्म करने का साजिश है, लेकिन लालू जी खत्म होने वाले नहीं है, बौखलाए हुए हैं, उनको हार नजर आ रही है, इस वजह से वो सब हथकंडे अपना रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के गंगा जल से दूर है सिर्फ वही दिखाई देता है, और उन्हीं पर खाली ईडी और सीबीआई चाहते कि इनकी हार जो है निश्चित है, तय है, 2024 में इनको जड़ से उखाड़ के जनता फेंक देगी। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी आरएसएस का साजिश है कि राजनीति को भी कॉर्पोरेट करो। सर, देश में ईडी और सीबीआई को लेकर घमासान मचा हुआ है, और लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार जो है वो विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इस विषय पे तो आप हमारे से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, अगर इसके संदर्भ में बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा लालू प्रसाद यादव को अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, क्योंकि वो अस्वस्थ हैं, और ऐसे मौके पे जब व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो उस पर इस तरह के अटैक, इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसा करना। इसके रेल मंत्री रहे हैं, रेल मंत्रालय है, और आप जानते हैं ये देश संविधान से चलता है, अगर उन पर किसी तरह का आरोप लगने के बाद कहीं इसका रिजल्ट रहा हो कि वास्तव में ये दोषी हैं तब आप कह सकते हैं, लेकिन किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, अभी तो वो हॉस्पिटल से आए हैं अपना इलाज करा करके, उसके बाद उनको टेंशन दे दिया सीबीआई का, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मंशा ऐसा लग रही है सर आपको? मंशा यही लगती है, ऊपर से चुनाव है 2024 का, उसके मद्देनज़र रखते हुए, और आप जानते हैं कि आज बीजेपी के हालात कैसे हैं, वो अपने आप को बौखलाए हुए हैं, उनको हार नज़र आ रही है, इस वजह से वो सब हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं ना 50 साल तक हम लोग रहेंगे इस देश में। देखिए, अमित शाह 100 साल कह दे तो हम उसको मना नहीं कर सकते, प्रजातंत्र में कुछ भी बोल दे। आप जानते हैं अमित शाह के बारे में मैं क्या बताऊं? आप जानते हैं उनका करेक्टर कैसा रहा है, उसके विषय में ज़्यादा बोलना मेरे ख्याल से गृह मंत्री के पद पर है वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि नो प्रोग्राम गृह मंत्री जो है ना हम लोग ठीक नहीं है, ऐसे ये गलत है जो ये चल रहा है। आज ईडी है, सीबीआई है, ये डिपार्टमेंट जो है ना भाजपा के तोते हैं, उसके अनुसार बोलते हैं, तो ये जो भी कार्रवाई चल रही है ये ठीक नहीं है, देश हित में नहीं है। किस तरीके से देख रहे हैं आप ये तमाम कार्रवाई जो हो रही है? ये कार्रवाई जो हो रही है अभी वर्तमान में, ये बहुत ही निचली स्तर की राजनीति हो रही है। ईडी, सीबीआई गैर बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं छापा मार रही है, ये साफ साफ इसका प्रमाण है कि ये बिल्कुल निचले स्तर की राजनीति पर उतर आई है, जिसका नाम बीजेपी है। तो ये अब आम जनमानस को समझ में आने लगा कि ये इनकी हार जो है निश्चित है, तय है, 2024 में इनको जड़ से उखाड़ के जनता फेंक देगी। पूरे मामले को सर किस तरीके से देख रहे हैं? जो बिहार में घमासान चल रहा है, देश के तमाम जगह पर इस तरीके से ईडी और सीबीआई के छापे लग रहे हैं लगातार। ये भारतीय जनता पार्टी का एक घिनौना चेहरा है, और कोई पहली बार नहीं है, ये बिहार में इनको मालूम हो गया है, और कई इंटेलिजेंसी के लोगों ने रिपोर्ट दे दिया है कि 40 के 40 सीट पर भारतीय जनता पार्टी हार रही है। ये हताशा में ये अपने तोता को बटन दबाए हैं और भेजे हैं जाओ तेजस्वी यादव पर भी इल्ज़ाम लगा के, भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उनको बदनाम करो। ये लालू परिवार को बदनाम करने की साजिश है। और मैं एक बात और भी बता दूंगा, ये बड़ा गहरा चाल है, लालू जी अभी किडनी का ट्रांसप्लांट करा के आए, कम से कम थोड़ी भी तो नैतिकता होनी चाहिए थी। आज के डेट में उन्हें बिल्कुल डॉक्टर ने आराम करने का सलाह दिया है, वो आराम कर रहे हैं, और उन्हें इस तरह से सदमा पहुंचाया जा रहा है ताकि किसी तरह से भगवान ऐसा नहीं हो कि ऐसी दिन देखना पड़े। ये लालू जी को ख़त्म करने का साजिश है, लेकिन लालू जी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। लालू जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर कांसीराम के बाद अगर कोई भारत का तीसरा कोई नेल्सन मंडेला है, उसका नाम लालू यादव है।
मिटा नहीं सकते। नहीं, कौन सी भ्रष्टाचार, आप मुझे बताओ। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपको सिर्फ तेजस्वी का और लालू जी का ही भ्रष्टाचार दिखाई देता है? झारखंड का भ्रष्टाचार नहीं दिखता? यदुरप्पा का भ्रष्टाचार नहीं दिखता? अमित शाह का बेटा का 15 गुना वृद्धि हुआ उनकी कंपनी में मुनाफा का, उन पे नहीं दिखाई देता? नितिन गडकरी के बेटा के कंपनी कितना आगे गया, कितना हुआ, आय से अधिक संपत्ति आया, वो दिखाई नहीं देता? इनको जो भारतीय जनता पार्टी के गंगा जल से दूर है सिर्फ वही दिखाई देता है, और उन्हीं पर खाली ईडी और सीबीआई चाहते। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं आज भी मैं कहता हूँ ईडी और सीबीआई काम करे, ईडीआई सीबीआई को स्वतंत्र बना दे, ये प्रधानमंत्री के इशारे पर काम नहीं करे। आज के डेट में प्रधानमंत्री का स्पेशल घोड़ा है, जहाँ चाहता है जिसको चाहता है उनको बदनाम कर दो, बर्बाद कर दो, नुकसान कर दो, और सीधा सीधा ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी आरएसएस का साजिश है कि राजनीति को भी कारपोरेट करो। ये हमारे नेताओं को बदनाम करके, छवि को खराब करके ये लाना चाहते हैं, अडानी अंबानी को राजनीति में भी लाना चाहते हैं, वापस ला रहे हैं वो। काला धन आया तो मालूम हो गया होगा, काला धन के तो इन्होंने बोल चुका कि ये जुमला था, आपके खाते में 15 लाख तो आ गया होगा, तो आपको पता कर लीजिए। अगर नहीं गया है तो जो खुद बोल चुके हैं कि ये जुमला था, तो वो बात का मैं जवाब नहीं दे सकता। डबल हो गया। काला धन कितना आया, आपको नोटबंदी से क्या हुआ, वो किससे छुपा हुआ नहीं है। फिर भी जो जनादेश है वो तो बीजेपी के पक्ष में नहीं, जनादेश बेईमानी करके जनादेश नहीं है। अगर मैं अच्छा बताइए मुझे, आप मुझे बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी से भी ज्यादा मजबूत और बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी जी का? ये सारा लोग जानते हैं, गोधरा के कांड का सबसे बड़ा सरगना है जिस पे हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को समाप्त करने का है। अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरी जीवन ताउम्र संघर्ष करते रहे, आज तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई, बैलेट से चुना हुआ। अब जैसे ही ईवीएम लाए इनको चमत्कार हो जाता है, तो चमत्कार जनादेश का नहीं है, जनादेश इन्हें नहीं मिला, जनादेश इस देश में जो मिला है वो बिल्कुल इनके अपोजिट के लोगों को मिला है। और आज भी हम डिमांड करते हैं, आप में हिम्मत है जनादेश का अगर सम्मान करते हैं, एक बार बैलेट से चुनाव करा कर देखें। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो रही है? नहीं, कौन से भ्रष्टाचार, इनको भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष दिखाई देता है, इनको सिर्फ और दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। हम तो आज कह रहे हैं, एक नहीं, आप मुझे बताइए मेहुल चौकसी कहाँ है, नीरव मोदी कहाँ है, आप बताइए विजय माल्या कहाँ है, आप उनका भ्रष्टाचार समझ में नहीं आ रहा है? पीएनबी बैंक का घोटाला कहाँ है, पता करिए ये क्या है। चलो भाई साहब।